नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर लुटेरा बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी उसका मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश छेनू गैंग का सक्रिय शार्प शूटर है और उसकी दिल्ली NCR में उसको ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध हथियार मोबाइल बरामद किए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच फन सिटी बिजली घर के पास मुठभेड़ में एक लुटेरा बदमाश दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर कब्जे से लूट के 4 मोबाइल फोन, साइकिल, अवैध हथियार बरामद किए। ये बदमाश श्रेणु गैंग का शूटर रहा। घायल बदमाश के विरुद्ध दिल्ली NCR क्षेत्र में लूट आदि के करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घायल बदमाश द्वारा दानिश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये व्यक्ति वहां से भागा। इसका चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा अट्टा और सेक्टर 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। भागते हुए ये फिल्म सिटी के पास आया और यहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिल्डिंग घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, जब बाजू फायर में घायल हुआ है, इसे गिरफ्तार किया गया।